हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभ रसोई। मैं शोभजीत आपके साथ जुड़ी हूँ शुभ रसोई से। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ढोकला की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है बनानी। मैंने सोचा क्यों ना ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ कि टाइम कम लगे और स्वाद ज़्यादा हो। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिए, मैंने बीच में सारा बताया है कि पूरी टिक एंड ट्रिक्स के साथ कि किस टाइम पे क्या हम डालेंगे ताकि हमारा जो ढोकला है वो प्रॉपर स्पॉन्जी बने। तो आइए देखते हैं। शुभ रसोई में बन रहा है ढोकला। देखिए कितना स्पॉन्जी है, कितना जूसी है तो और कितनी जालीदार बना हुआ है। इसको बनाना बहुत ही इजी है। देखिए अभी हमने इसके ऊपर सिरप भी नहीं डाला तो भी कितना स्पॉन्जी है, जालीदार बना है। तो बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल नहीं चाहिए। इसके लिए हमने एक कप बेसन ले लिया, इसको हम छान लेंगे। छानने से क्या होगा कि इसके अंदर जो हवा है वो भर जाएगी। इसमें नमक डाल देंगे और हल्की सी हल्दी डालेंगे। अगर हमने ज़्यादा हल्दी डाल दिया तो क्या होगा, वो जब सेक लगेगा तो वो लाल रंग की हो जाएगा, इसलिए कलर बिगड़ जाएगा। तो हाफ कप हमने ले लिया यहाँ पे दही और हाफ कप ले लिया पानी। इसमें शुगर और ऑयल, ऑयल आप जरूर डालना, नहीं तो बाद में जब हम खाते हैं ना हमारे गले में लगता है, ड्राई ड्राइनेस आती है। तो इसकी अच्छे से हम बना लेंगे, लस्सी बना लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जो हमारी छाछ बनाई है हमने वो बेसन में डालते जाएंगे और इसकी एक अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेंगे। अगर आपको लगे कि मटेरियल ज़्यादा पतला हो रहा है तो आप जो बचेगी छाछ वो उसको रहने देना, ज़्यादा पतली मत कर लेना आप। तो इस तरीके से हमें अब इसका मेन काम है, 5 से 7 मिनट तक आपने इसको मिक्स करना है। तो हो सकता है मिक्सर आपके हाथ से गिरे भी, पर गिरने नहीं देना है इसको, लगातार 5 से 7 मिनट तक इसको मिक्स करना है, जैसे हम भल्लों का आटा मिक्स करते हैं एक ही डायरेक्शन में करेंगे। 15 मिनट के लिए रख लेंगे। अभी हमने चाहिए पतीला, चाहिए एक रिंग चाहिए, और जिसमें हमें डालना है पतीले में पूरा आ जाए वो हमने इसमें प्लेट ले लेंगे या केक वाली टिन ले लेंगे, जो मर्जी आप ले लो। तो अभी हम इसमें पानी डाल दिया, पानी डाल के ऊपर रिंग रख के तो कवर कर दिया ताकि स्टीम होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इधर हमने टिन में जो लिया उसको हम ग्रीस कर लेंगे। अगर आप चाहते हो तो आप थाली में भी बना सकते हो। तो इस तरीके से हमें इसको ग्रीस कर लिया है। अभी 15-20 मिनट हो चुके हैं तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए और मिक्स कर लेंगे। अभी हमें इसको ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी हमें थिकनेस चाहिए। अगर बाई चांस आपका पतला हो जाए तो थोड़ा सा बेसन डाल के इसको थिक कर लेना। इसमें बेकिंग पाउडर और इनो का एक पैकेट हम इसमें डाल लेंगे। तो ये हमें तभी इनो डालें जब हमारे सारा सामान तैयार है। अगर हमने पहले इनो डाल दी तो बाकी अभी पानी गर्म नहीं हुआ तो फिर वो हमारा अच्छे से नहीं बनेगा, वो सारी इसकी जो हवा है वो निकल जाएगी। तो अभी हमने फटाफट इसको टिन में डालना है, अभी हमने देरी बिल्कुल नहीं करनी। और इस तरीके से देखिए कितना फूल गया। तो अभी हम उधर हमारा पानी जो वो भी उबलने लग गया, तो अभी हम उसका ढक्कन उतार के फटाफट इसको रख देंगे। 15 मिनट तक इसको बिल्कुल भी खोलना नहीं है। 15 मिनट के बाद देखिए इस तरीके का हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये बन चुका है, गैस इसकी फुल रहेगी, सिम बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इस तरीके से देखिए हमारा नाइफ जो हमारी टूथपिक है वो बिल्कुल क्लीन आ रही है, आप नाइफ के साथ भी चेक कर सकते हो। तो अभी कितना सॉफ्ट है, अभी हम इसको कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। उधर हम तड़का तैयार कर लेंगे। तड़के में राई डाल दी है, हरी मिर्च डाल देंगे, कड़ी पत्ते डाल देंगे। तो इसको थोड़ा सा जब भून जाएगा तो अभी हम इसमें डाल देंगे पानी, 1 कप पानी डाल देंगे। तो देखिए जले नहीं, उससे पहले ही आपने डाल देना पानी डाल देंगे। अभी हमने थोड़ी सी चीनी डाल देंगे और नमक डाल देंगे। तो अभी ये इसको हमने नींबू का रस डाल के तो 5 मिनट तक हम इसको पका लेंगे ताकि अच्छे से इसका पक जाए, सिर्फ कच्चा कच्चा सा ना रहे। तो इधर हमारा रेडी हो गया तड़का भी, उधर हमारा जो है वो रेडी हो गया। तो ढोकले को और जो इसका हमने सिर बनाया है, ध्यान रखना दोनों रूम टेम्परेचर के हों। ऐसा ना हो अगर गर्म ढोकला हो, गर्म पानी होगा तो भी सौगी सा हो जाएगा, स्पॉन्जी नहीं बनेगा। ठंडा हुआ तो भी इसके अंदर नहीं जाएगा। वाओ कितना अच्छा, देखिए जे निकल के बाहर आए, कितना स्पॉन्जी है, कितनी जाली इसके में बनी हुई है, देखिए कितने अच्छे से बना हुआ है। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट है। देखिए ज़्यादा कुछ हमने इसमें सामान नहीं डाला,
फिर भी हमारा कितना अच्छे से तैयार हो गया। इसकी जो टिप एंड ट्रिक्स है प्लीज उसको आप जरूर ध्यान में रखना, फॉलो करना, तो आपका जो इडली वो ढोकला वो कभी भी खराब नहीं होगा, वो हमेशा अच्छे से बनेगा। तो ये रेडी है हमारा पीस, आप जितने मर्जी हिसाब से आप काट लेना, आपकी मर्जी। ये बड़े बड़े पीस होते हैं, पर जब आप खाओ छोटी छोटी बाइट के साथ खाना, क्योंकि बड़ी बाइट अंदर लगाओगे तो गले में वो फंस जाएगा। तो अभी ये हमारा तैयार हो गया ढोकला, अभी हमने जो सिरप बनाया है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे, अच्छे से डाल देंगे। तो इसका जो टेस्ट होता है सिरप का, वो खट्टा मीठा तीखा सारे तरह का होता है। तो अभी हम उसके ऊपर सिरप को इस तरीके के डाल देंगे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इसके ऊपर हम इसमें कोकोनट का जो पाउडर है वो हम थोड़ा सा ऊपर डाल देंगे, ये आपकी मर्जी है। तो रेडी है आपका ढोकला। तो ये कैसी रेसिपी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ढोकले की रेसिपी दीजिए लो।